घुमानवी के नजदीक पुल से शहर को जाने वाला वर्षों पुराना पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाने से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते हालत अब ये हो गया है कि कोई राहगीर हादसे के शिकार हो सकता है। शहर के लिए किसी न किसी काम या तहसील कार्यालय के साथ बाजार में खरीदारी करने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग घुमारवी पहुंचते हैं। इसके साथ ही आसपास के कई गांव के लोग भी शहर में पहुंचने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, लेकिन रास्ते के क्षतिग्रस्त हो जाने से सीढ़ियां भी टूट चुकी हैं। बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों का इस रास्ते शहर पहुंचना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस पैदल रास्ते को टूटे हुए 3 महीनों के वक्त हो जाने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनदेखी के कारण घुमारवी के पुल के पास से शहर को जाने वाले इस रास्ते का अस्तित्व ही मिटने की कगार पर है। पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से हो रहे भूस्खलन से रास्ते की हालत बहुत खराब हो चुकी है। लोगों ने बताया कि 3 महीने पहले शहर के लिए बनाए जा रहे बाईपास सड़क निर्माण के चलते सीढ़ियों को जेसीबी से उखाड़ गया था, जबकि इस रास्ते को खड़े जाने से अब यहां से नीचे करीब 30 फुट गहरी खाई बन गई है। अगर कोई ऊपर से फिसल कर गिरता है तो सीधा खड्ड में जाकर गिरेगा, जिससे कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग कोई इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। भारी बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ बाईपास के ऊपर जो ताजा कटिंग है उसकी वजह से थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, और साथ ही जो बस स्टैंड से ओल्ड ब्रिज को सीढ़ियाँ जाती हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आज चलना मुश्किल हुआ। इस बारे में PWD विभाग को मैंने निर्देश दिया हुआ है कि वहाँ पे जो है वो उन सीढ़ियों को ठीक करें, ताकि लोगों को आने जाने में।